वर्ल्ड कप में भारत से मिली करारी हार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हमेशा की तरह उन्हें इस बार भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम इस तरह से भारत के सामने आखिर अपने घुटने कैसे टेक सकती है। यहां तक कि हार के बाद पाकिस्तान की टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने बीसीसीआई पर तंज कसा। भारत के खिलाफ हार के बाद टीम डायरेक्टर ने कहा कि आज रात ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कोई आईसीसी इवेंट है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यह कोई बीसीसीआई इवेंट है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि मैं इसे बहाने के तौर पर नहीं लेना चाहूंगा और मैं नहीं चाहता कि कुछ और कहूं ताकि मुझ पर फाइन लगाया जाए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस तेजी से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस बयान के बाद खुद पाकिस्तान के लोग मिकी ऑर्थर पर भड़क गए। दरअसल पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम ने एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर मिकी ऑर्थर के इस बयान पर बात करते हुए कहा कि भैया हमें ये बताओ कि आप लोगों ने टीम इंडिया के लिए क्या प्लान किया था, कुलदीप यादव के खिलाफ कैसे खेलना है, यह बात हम आपसे सुनना चाहते हैं, कोई रैंडम चीजें नहीं सुनना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे बयान देकर बच सकते हैं? नहीं, दुर्भाग्य से आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोइन खान ने भी मिकी ऑर्थर के बयान के बारे में बात करते हुए कहा कि मिकी ऑर्थर ध्यान भटका रहे हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं और आप उन्हें भावुक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कोई नया रास्ता दिखाने की बजाय इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि एक प्रोफेशनल के तौर पर उनका काम क्या है। एक कोच के तौर पर उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 के चर्चित मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस तरह भारत ने 8वीं बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन पर ऑल आउट हो गया, जिसके जवाब में भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।